वेलकम फ्रेंड्स, आज हम करेंगे इस लाइट को ठीक जो कि पिछले साल की है जो ख़राब हो रही है। तो चलिए एक बार शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, ये पिछली बार की दिवाली पे ली थी लाइट जो ख़राब हो गई है, तो आज हम इसी को ठीक करने वाले हैं। दोस्तों, तो मैं एक बार चेक करा देता हूँ आपको, ये काम नहीं कर रही है बिल्कुल भी। ये देखिए दोस्तों, इसमें हल्की सी ब्लिंक हो रही है लाइट, आप देख पा रहे होंगे, क्योंकि ये लाइट हल्की सी जल पा रही है। ये देखिए, अब मैं दिखाता हूँ एक बार, ये देखिए दोस्तों, ये देखिए हल्की सी लाइट जल रही है, इसमें ब्लिंक हो रही है। तो दोस्तों, ये पूरी नहीं हो रही है, ख़राब हो गई है, तो इसको ही आज रिपेयर करने वाले हैं दोस्तों। तो मैं इसे निकाल लेता हूँ, और दोस्तों ये देखिए, तो मैं इसका आगे का ये ढक्कन है कैप, इसको खोल लेता हूँ फटाफट से। दोस्तों, ये लाइट बहुत बढ़िया जलती है जब जलती है, तो इसमें तीन कलर जलते थे, इसमें फ़िलहाल देखते हैं कौन सा एलईडी वगैरह ख़राब है, क्या ख़राब है, तो मैं चेक कर लूँगा इसको। दोस्तों, ये खुल गया है, ये देखिए इसमें तीन एलईडी लगे हुए हैं। मैं इसको भी निकाल लेता हूँ थोड़ा, ताकि देखने में आसानी हो जाएगी। ये निकल नहीं पा रहा, थोड़ा टाइट लगा है। ये देखिए ऐसे ही निकल गया, इसमें लॉक लगा हुआ था खाली ऐसे ही। ये देखिए दोस्तों, तीन एलईडी लगी हुई हैं इसमें, अलग अलग कलर की होती हैं ये। तो इसको मैं चेक करूँगा एक बारी, पहले चेक कर लेता हूँ। ये देखिए दोस्तों, मैंने एक चार्जर ले लिया पुराना, तो मैं डायरेक्ट इससे ही चेक करूँगा एलईडी कौन सी सही है और कौन सी ख़राब हो रही है। तो दोस्तों देखिए, इस तरीके से मैं लगा लेता हूँ, प्लस माइनस पे आपको देख लेना है, प्लस वाला रेड वाला प्लस में और ब्लैक वाला माइनस में लगाना है। दोस्तों ये देखिए, ग्रीन वाली बत्ती जल रही है, ये एकदम ओके है। दूसरी वाली चेक कर लेते हैं दोस्तों, दूसरी वाली में मैं लगा रहा हूँ, तो ये देखिए हल्की ब्लिंक हो रही है, ये ख़राब हो गई है, ये ब्लू वाली होगी दोस्तों, हल्की ब्लिंक कर रही है। और तीसरी ये वाली है दोस्तों रेड, ये देखिए रेड जल गई है एकदम। तो हमें ये ब्लू वाली एलईडी को हटा देना है यहाँ से, या तो इसकी जगह दूसरी एलईडी लगाएंगे, या फिर हम इसको डायरेक्ट कर देंगे तो ये काम कर जाएगी। दोस्तों, इसमें हम इसकी जगह पे एलईडी भी लगा सकते हैं दूसरी, मैं दिखा देता हूँ आपको एक बार। एलईडी मेरे पास पड़ी हुई है जो सिंपल कलर की, वो कुछ इस प्रकार की एलईडी है दोस्तों। तो आप कोई भी एलईडी ले सकते हो आप, तो इसकी जगह पे हम लगा के चेक कर लेंगे एक बारी कि ये काम करती है कि नहीं करती है, नहीं तो हम डायरेक्ट ही कर देंगे इसको अगर ये काम नहीं करेगी तो। तो चलिए मैं इसको भी एक बार लगा लेता हूँ दोस्तों आयरन की मदद से। ये मैंने निकाल देता हूँ पहले, तो पुरानी वाली एलईडी जो ख़राब है हमारी, इसको मैं फटाफट निकालता हूँ दोस्तों आयरन की मदद से। ये देखिए, ध्यान से निकालना पड़ेगा हमें दोस्तों, ज़्यादा हीट ना हो ये। ये देखिए निकल गई एलईडी दोस्तों। ये इस तरीके की अगर एलईडी बाज़ार में मिल जाती है, आप ये सेम लगा सकते हो, वाइट कलर की भी मिल जाती है ज़्यादातर, तो आप वो भी लगा सकते हो। अगर ये नहीं मिलती है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम इसकी जगह पे सिंपल वाली एलईडी भी लगा लेंगे। ये ना आप देखिए काम नहीं कर रही है, मैं चेक करा देता हूँ एक बार। ये देखिए, ये वही वाली है ब्लू कलर की जो चल नहीं रही है, तो इसको हटा देंगे हम, इसकी जगह पे अपने सिंपल वाली एलईडी ले लेंगे दोस्तों। बस इसको मैं एक बार चेक करा देता हूँ आपको, ये काम कर रही है कि नहीं कर रही है। तो एक बार देखिए दोस्तों, ये काम कर रही है दोस्तों, ब्लू कलर की ही है ये भी। तो मैं इसको एक बार रिप्लेस करके देखता हूँ इसकी जगह पर, और नहीं तो हम उसको डायरेक्ट कर देंगे दोस्तों। तो मैं इसके बराबर ही काट लेता हूँ इसको, तार इसके बराबर ही रख लूँगा। ये देखिए दोस्तों, नाप लेता हूँ मैं एक बार इसको, ये देखिए बराबर आ रही है इसके, तो आप इसके बराबर ही रख लीजिएगा। इसको मैं कट कर देता हूँ, ये देखिए आप कोई भी कटर से कट कर सकते हैं दोस्तों। और इसमें थोड़ा सा पेस्ट वगैरह लगा लेंगे ताकि आराम से लग जाइए दोस्तों। तो मैं इसमें पेस्ट वगैरह लगा लेता हूँ फटाफट। दोस्तों, मैंने पेस्ट लगा लिया इसको, पेस्ट लगाने से दोस्तों जल्दी लग जाता है आयरन, तो इसलिए मैं इसको लगा लेता हूँ। ये देखिए दोस्तों, पहले से इस पर आयरन लगा लेते हैं, पेस्ट लगा के जल्दी आसानी से लग जाता है थोड़ा, इसीलिए। ये देखिए दोस्तों, मैं इसको लगा लेता हूँ यहाँ पर। इसमें प्लस और माइनस का आपको ध्यान रखना है दोस्तों, जहाँ प्लस था वहाँ प्लस का ही रखना है, और जहाँ माइनस था वहाँ माइनस का ही रखना है दोस्तों। तो ये आपको ध्यान से ही लगाना पड़ेगा। तो मैं इसको एक बार लगा लेता हूँ, ये देखिए दोस्तों, ये थोड़ा लगाने में थोड़ी दिक्कत कर रहा है क्योंकि तिरछा हो रहा है, तो इसको मैं इस तरीके से पकड़ लेता हूँ।
दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, लगा दिया है मैंने इसको एक तरफ का, और दूसरी तरफ भी लगा लेते हैं फटाफट से दोस्तों। ये भी एक ही तरफ लगा रहा है, और इस साइड भी लगा देते हैं दोस्तों। दोस्तों ये आयरन अच्छे से लगाना पड़ेगा ताकि गर्म होकर के निकल ना जाए एलईडी, तो अच्छे से मैं लगा लेता हूँ दोस्तों। ये देखिए लग गया दोस्तों, इसको सीधा कर लेते हैं एलईडी को। हमारा मेन मकसद तो है कि हमारी लाइट जल जानी चाहिए, तो मैं इसको एक बार चेक करा लेता हूँ आपको दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, जल गई है, रेड और ग्रीन जल रही है दोस्तों, जो हमने एलईडी लगाई है, लेकिन वो नहीं जल रही है। ये देखिए दोस्तों, ब्लू कलर की एलईडी नहीं जल रही है इसमें। मेन हमारा काम था लाइट को जलाना, तो कम से कम वो काम कर रही है। अगर नहीं भी करती तो हम डायरेक्ट कर देते इसको। तो अभी फ़िलहाल हम इसी को लगा रहने देते हैं, और मैं इसको आपको पैक करके एक बार दिखाता हूँ। तो मैं इसको निकाल के जल्दी से पैक कर लेता हूँ दोस्तों, उसका कवर लगा देता हूँ एक बारी। ये देखिए दोस्तों, दो एलईडी इसमें काम कर रही हैं खाली, तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। ये मैं एक बार चला के दिखा देता हूँ आपको, फिट कर लेता हूँ फटाफट। मैं आपको टेस्ट भी करके दिखाऊंगा एक बारी। तो देखिए मैं लगा लेता हूँ इसको फटाफट से। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए काम कर रहा है। देखिए दोस्तों, लाइट इसकी बड़ी प्यारी जलती है दोस्तों। देखिए ग्रीन और रेड जल रहा है, ब्लू नहीं जल रहा है इसमें। तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारा काम तो हो रहा है, फिर भी ना जलने से तो अच्छा है। दूसरों, ये एलईडी भी पड़ी हुई है, ये निकली पड़ी हुई है, आपको देख रहे होंगे आप लोग। तो एक बारी मैं इसको दिखाता हूँ, देखिए। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। ये देखिए दीवार पर आपको दिख रही होगी लाइट, अभी रोशनी है इसलिए थोड़ा ऐसा दिख रहा है, अगर नाइट में लगाएंगे बहुत बढ़िया दिखता है दोस्तों। ये देखिए